हेलो एवरीवन, आई एम नवीन बंसल। आई एम श्योर आप में से हर कोई पिछले 1 घंटे में मुझसे या मेरे टीम मेंबर से मिला ही होगा, विद द सेम गाइज हु वर लाइक प्लीडिंग, बेगिंग एंड इन सम केसेस इवन थ्रेटनिंग यू टू गेट वन लाउजी सिग्नेचर ऑन दिस पेज विच सेज इट्स ओके फॉर अस टू प्रेजेंट आवर प्रोडक्ट ऑन दिस स्टेज। बट एज यू कैन सी, ऑफ कोर्स वी डिडंट इवन कम क्लोज। Well, I'm really sorry, Naveen, but I'm afraid I can't allow you to go on. It won't be fair to the other teams if I allow you to talk about your product. So, could we have the next team on stage, please? But sir, you said we are not allowed to present our product on stage. But I still have my 5 minutes, right? Yeah, okay. You have 4 minutes, 20 seconds. मेरे कुछ दोस्त हैं यूएस में, सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि वहां पे जब कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप शुरू करता है तो उससे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, व्हाट, व्हाट इज द प्रोडक्ट। और यहां इंडिया में व्हाट तो बहुत दूर की बात, लोग पूछते हैं व्हाई, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप। टुडे वी आर फेसिंग अ सिमिलर चैलेंज, लाइक नोबडी इज विलिंग टू लिसन टू आवर व्हाट। सो लेट मी टॉक अबाउट the why. Why entrepreneurship? पता नहीं, शायद corporate job में अपने well-wisher boss से परेशान हो गया था, या फिर शायद social network और Wolf of Wall Street से कुछ ज्यादा inspire हो गया था, या फिर शायद हमेशा से real life problem solving में मजा आता था। अच्छा, do you guys remember वो 90s में एक chips के packet आते थे जिसके साथ tazos free मिलते थे। वो टैजोस होते थे ना, गोल से प्लास्टिक की शाइनी डिस्क्स होती थी जिनपे कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ किए होते थे। आई यूज्ड टू बी लाइक क्रेजी अबाउट देम, यू नो, ऑल आई वांटेड वाज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टैजोस जिनको मैं अपनी जैम की खाली शीशी में जमा कर सकूं। बट मेरी पॉकेट मनी जितनी होती थी, मैं हफ्ते में एक ही चिप्स का पैकेट खरीद पाता था। जहां मेरे दोस्तों के पास 25-30 हो गए थे, आई कुड मैनेज ओनली 5। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या ट्रिवियल सी प्रॉब्लम है, बट उस समय उस 10 साल के बच्चे के लिए इट वाज अ ह्यूज लाइफ प्रॉब्लम एंड इट नीडेड टू बी सॉल्वड। फिर मुझे एक थॉट आया, मैंने एक दिन घर में बैठ के अपने सारे टाजोस को कॉइन से घिस घिस के सफेद कर दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो ये खबर फैल गई कि नवीन के पास एक स्पेशल किस्म के टाजोस हैं, ब्लैंक टाजोस, जिनपे आप अपना मनपसंद का कोई भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। एंड सडनली एवरीबडी वॉन्टेड इट, लोग 5, 10, 20 टाजोस अपने एक्सचेंज करने को रेडी थे जस्ट टू गेट दैट वन स्पेशल टाजो। उसके एक महीने बाद मैं फिर से दुकान पे गया, लेकिन चिप्स का पैकेट खरीदने नहीं, जैम की एक नई शीशी लेने। मेरी जिंदगी का वो सबसे पहला बिजनेस मॉडल था। मैंने उसके बाद और भी काफी वेंचर्स किए। मैंने स्कूल में अपने कंप्यूटर से सीडीज राइट करवाई, मैंने कॉलेज में लोकल स्पॉन्सर जुगाड़ करके अपनी मैगजीन्स प्रिंट करवाई। बट तब में और आज में एक बहुत खास डिफरेंस है। आज मैं डरा हुआ हूं, कंपटीशन इतना रूथलेस है। यू नो, स्टैंडिंग हियर टुडे आई डोंट फील लाइक एन एंटरप्रेन्योर, आई फील एज इफ आई एम अ कंटेस्टेंट इन अ रियलिटी शो। और मैं तो परफॉर्म किए बिना ही एलिमिनेट होने वाला हूं। एक्चुअली आज के जज मेरे एक्स बॉस मिस्टर रजत खन्ना हैड समड अप द कंपटीशन इन अ वेरी सिंपल सेंटेंस। वो कहते हैं कि आज की डेट में हर 3 में से 2 क्यूबिकल में स्टार्टअप फाउंडर्स बैठते हैं। तो फिर इतने सारे लोगों में मैं कहां खड़ा हूं? मुझे तो अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट होने लगे। मैंने सोचा कि मुझसे पहले जो इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए हैं उनके पास एक्चुअल में ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं है। मतलब आई हैव माई एजुकेशन, माई विट्स, आई हैव अ टीम दैट स्टैंड्स रेजोल्यूटली बिहाइंड मी, तो टेक्निकली आई शुड बी सक्सेसफुल एज वेल, राइट? वेल, नॉट नेसेसरली। यू नो, दोज गाइज हैड वन मोर एक्स्ट्रा थिंग इन कॉमन, विच वॉज परहैप्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग, दे रिफ्यूज टू गिव अप। दे रिफ्यूज टू गिव अप। आप किसी भी एंटरप्रेन्योर की बायोग्राफी उठा के देख लीजिए, इट्स फिल्ड विद फ्रेजेस लाइक अ शॉट इन द डार्क, फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स, एक्सप्लोरिंग अनचार्टेड टेरिटरीज,
then why am I scared to fail at such an early stage? Nobody invented an engine their first time. Nobody discovered an island their first time. But they kept on trying, they kept working. कमरे में अंधेरा है और आपको बल्ब जलाना है ना, तो स्विच बोर्ड में हाथ पैर मारते रहोगे ना, तो किसी ना किसी स्विच से तो लाइट जल जाएगी बॉस। गांधी जी ने कहा है यार कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है, सर झुकाओ और काम करो। ये सब ये मेंटर्स, ये एंजल इन्वेस्टर्स, ये इवेंट्स, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे हाथ में नहीं है यार। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में मेरा काम है, और जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, काम करके फाड़ दूंगा। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही थी आज। आई कुड हैव गिवन अप एंड गॉन बैक, बट आई चोज टू स्टैंड हियर एंड फेस यू गाइस, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट लूज आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज। रजत, आपने कहा था कि मैं आज स्टेज पे खड़े होकर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, इसलिए मैंने खुद को बेच दिया। थैंक्स गाइस।